तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में जाना है। इसके बाद आपको प्लस का आइकन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। आपको मीडिया पे जाके जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया हुआ इसको लेकर के आना है। आपको रिकॉर्डिंग कैसे करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, आपको ऐसे माचिस जला के आना है और मोमबत्ती को जले हुए रखना है। फिर आपको सिर्फ हाथ को ऐसे हिला देना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोमबत्ती को बुझा देना है। ठीक है, फिर एक बार सामने में ऐसे खड़े रहेगा बुझ के, ये फोटो अपने को काम आएगा इसके लिए। अभी हमें बुझे हुए कैंडल का कैप्चर ले लेना है। कैप्चर पर जाइए, फिर कैप्चर एंड ऐड एज लेयर पर सेलेक्ट क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी ये वाले कैप्चर का आप आगे ले लीजिए। ठीक है, इसको ओके कीजिए, पहले इसको आगे लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि आपको देखने में समझ में आए। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या करना है आपको, ये वाले को थोड़ा बड़ा कर दीजिए यहाँ पे। अभी आपको ये देखना है कि आपका ये वाला जो आपने हाथ ऐसे किया है ये कब किया है, बस ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं करके दिखता हूँ, ये आपने हाथ कब किया है ऐसे। ठीक है, ये हाथ का पोर्शन देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करना है, फिर ट्रिम पर जाना है, फिर इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद आप इसको ओके कीजिए, फिर ये वाला नीचे वाले लेयर को वापस सेलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बड़ा कर दिया। उसके बाद आप नीचे जाइए, क्रॉपिंग पे जाइए, यहाँ मास्क इनेबल कीजिए। इसके बाद आपको ये वाला सेलेक्ट करना है और इसको क्रॉप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्रॉप कर दीजिए। ठीक है, क्रॉप किया, उसके बाद ओके कीजिए। फिर आपको ये दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, वापस सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे क्रॉप में वापस जाइए। इसके बाद आपको इसका फेदर बढ़ा देना है। ठीक है, ये बढ़ा दीजिए, आपको नहीं दिख रहा, देखिए अभी दिख रहा नहीं दिख रहा है, अभी आप देखिए। देखिए हुआ, ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद आपको जो इसका आग दिख रहा है, माचिस का आग दिख रहा है, उसका साइड का सब निकाल देना है, सिर्फ उसका आग को रखना है। बैकग्राउंड कैसे इरेज करना है वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। आप चाहे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ पे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अभी मैं इस माचिस के आग का पीएनजी लेकर के आता हूँ। देखिए, ये मैंने पीएनजी लेकर आया हुआ है, इसको आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिए। देखिए, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के देखिए थोड़ा सा। ठीक है, ये ला आपने हाथ का भी लाया, आपको ये देखना मेन। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, आपको करने को इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड को यहाँ पे लेके जाना है। इस पीएनजी जो है ना, ये वाला, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको आप यहाँ पे लेकर जाइए। ठीक है, इसके साथ लेके जाने का है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये वाला को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाले को इसको ट्रिम टू लैपटॉप क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, वापस यहाँ भी जाइए, लेके जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, जाइए ट्यूब टू राइट ऑफ प्लेट कर दीजिए। ठीक है, अभी इतना भाग है, इसको हमें की का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर जाइए, अभी आप की पर जाइए। ठीक है, अभी आपका हाथ का मूवमेंट जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपको अपने इस फायर के पीएनजी को भी लेके जाना है। ठीक है, ऐसे लेके जाइए, फिर वापस ऐसे आगे गया, फिर वापस और लेके जाइए, फिर वापस आगे ऐसे गया, फिर वापस ऐसे लेके जाइए। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाला में आइए, इसको यहाँ पे रख दीजिए जल्दी से।
ठीक है। इतना रखने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। देखिए ठीक है, हो गया आपका पूरा फिर वीडियो बन जाएगा अगर आपका, तो फिर ये सेव वाले बटन है, आप अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।